क्योंकि मैंने तो इंट्रो बनाया ही नहीं है, तो फिर अब मैं इंट्रो बनाने आई हूँ। तो हाय नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नबे समारा और आज के वीडियो में मैं आपको अपने बाल कर्ल करने सिखाऊंगी। एक्चुअली मेरे सिखाऊंगी थी, मैं खुद ट्राई कर रही हूँ कि कैसे करना है कर्ल। मैंने ना एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, वो मैं आपको इसकी ना छोटी सी क्लिप दिखा दूँगी। वो वीडियो एंड इसमें इसने क्या दिखाया कि वो ना पूरे मतलब शौक से उसने अपने बाल कर लिए जो बाद में वो दिख रहे थे। मेरी रिकमेंडेशन में आई थी ये वीडियो एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, ये मुझे ट्राई करना है। एंड देन मैं ट्राई करी थी तो मैंने सोचा कि वीडियो क्यों ना बना लें, और मैंने रात को 11 बजे इसकी उठ के वीडियो बनाई है। ओके, मुझे डर भी लग रहा था करते क्योंकि पूरा घर खाली है और मैं उधर बैठी हुई बनाने लग रही, सारे मेरे सामने जो सोफे वो सारे खाली है। पर फिर भी हमें बाल करने कर्ल करने थे तो हमने थोड़ा सा सह लिया। एक्चुअली जो मेरे बाल है ना वो अच्छे से ना कर्ल नहीं पकड़ते हैं, वो मतलब ऐसे कुछ सिल्की टाइप, मेरे बाल इतने सिल्की भी नहीं है, पर फिर भी बता नहीं वो कर्ल नहीं होते हैं, स्ट्रेट हो जाते बार बार। स्ट्रेट भी नहीं, वेवी से हो जाते हैं। जब स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट करती जब भी वो वेवी हो जाते हैं, मतलब इतने वेवी ही रहना उन्हें, मतलब कुछ करना ही नहीं अपने बालों, इनको अपने साथ कुछ करना नहीं है, ना कर रहा है ना स्ट्रेट। तो फिर अब मैं इसे ट्राई करूँगी कि कहीं मेरे बाल पर हो जाए, एंड देन तो रिजल्ट देखने के लिए लास्ट तक बने रहना। सो गाइस, अब मैं वॉइस ओवर करूँगी क्योंकि अगर मैं रात को बोल रही होती तो मुझे कोई भी मेरे बाल कर्ल नहीं करने देता। सब कहते कि क्यों इतनी रात को चीख रही है। एक्चुअली मैं रात के 11 फिर 12 बजे बैठ के वीडियो बना रही थी क्योंकि मुझे ना याद ही आया पहले कि मुझे वीडियो भी बनानी है, और मुझे 11 बजे याद आया कि वो मुझे अपने बाल कर्ल करने हैं, इसलिए मैंने आज रेड टी शर्ट पहनी थी। तो फिर अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बाल अच्छे से कॉम कर लेने हैं, मतलब बिल्कुल भी अटके होने नहीं चाहिए, अच्छे से सुलझ होने चाहिए, वरना वो सॉक्स में ना अच्छे से लपटेंगे नहीं। इसलिए अच्छे से कंघी कर लो, और उसके बाद ना अगर वो एक क्रीम आती है उसे अगर आप कर्ल करते हो ना तो वो कर्ल ही रहते हैं बहुत टाइम तक, आप वो लगा सकते हो। एक्चुअली मेरे पास थी नहीं इसलिए वो मैंने नहीं लगाई। तो सबसे पहले तो आपको अपने बाल पार्ट कर लेने अच्छे से थोड़े थोड़े करके, ताकि वो एक जगह रहे और जितने आपको बाल कर्ल करने वो अच्छे से आपके पास रहे। तो ऐसे मैं ये बाल एक साइड के मैंने बाल पार्ट कर रहे हैं, एंड दूसरे साइड में मैं बिल्कुल ऊपर से ना थोड़े से बाल लूँगी, ज़्यादा बाल नहीं ले रहे। अगर आप ज़्यादा बाल लोगे ना तो आपके बाल वो अच्छे से ना कर्ल नहीं हो पाएंगे, बहुत कम कर लोगे। अगर कम लोगे तो फिर वो ज़्यादा कर लोगे, ज़्यादा बाउंसी से भी लगेंगे। तो फिर मैंने थोड़े से आगे से बाल ले लिए, और पीछे के ना मैं पीछे ही रख दूँगी, वो अच्छे से लगा दूँगी, वरना वो ना आगे वाले के साथ मिक्स हो जाएंगे, और एक तो सॉक्स है ना उससे मतलब फ्रीजी से भी हो जाएंगे ज़्यादा। इसलिए अभी अच्छे से पीछे के आप जो बाल बचे हैं वो पीछे बांध लीजिए। सब आपको अपने जो बाल वो अच्छे से कंघे कर लेना, और मेरे फेस को ना इग्नोर मारना क्योंकि मैं फोकस कर रही थी, इसलिए मेरे फेस अजीब अजीब से रहेंगे बार बार। तो मैंने भी बहुत सारी सॉक्स ले लिए, पता नहीं कितनी ज़रूरत पड़े, आप भी अच्छे से रख लेना, बीच बीच में आपको उठ के जाना ना पड़े। तो सबसे पहले आपको ये पार्ट ले लेना अपने बाल के, एंड देन वो अच्छे से सॉक्स के लपेट लेने हैं, पहले नीचे ले जाके फिर आगे पीछे करते हैं ना। मैं पहले ट्राई में नहीं हूँ इसलिए मैं दूसरे ट्राई में कर रही हूँ, मतलब बहुत ट्राई, पहले स्टार्टिंग में तो ना आपको बहुत ट्राई लगेंगी, पहले ट्राई में नहीं हो जाएगा। तो फिर मैंने बाल के ऊपर सोख सकते हैं, मैंने क्लच भी लगा लिया, वरना वो ना मैं इसे पकड़े नहीं जा रहे थे, पता नहीं उसने कैसे पकड़े, मुझसे तो बिल्कुल भी पकड़े नहीं जा रहे थे। तो फिर अब मैं इसको अच्छे से सॉक्स लपेट लूँगी इसके आसपास। आपको ना लास्ट में नोट बांध लेनी है, थोड़ी ना ध्यान से बांधना, वरना वो बाल कभी कभी ना अटक जाते हैं सॉक्स में, तो फिर आराम से बांधना ताकि बाल अटके ना।
सोए, तो फिर मैंने पूरी रात ऐसे रखा और अभी मैं सुधारने वाली हूँ। सोने में ना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, पर है कि थोड़ी देर दिक्कत हुई थी। फिर जब एक मतलब पोजीशन मिल जाती ना कि भाई इस साइड रखेंगे तो सही से सो पाएंगे, तो फिर आराम से सो पाई थी। तो फिर अभी ने खोल दिया। बाल थोड़े अटक गए हैं इस साइड के, और इस साइड के तो पूरे सही से हैं। सो गाइस, ये थी आज की, मतलब ये ना बड़े अच्छे से कर लोगे सब कुछ, तो फिर आप ये ट्राई कर सकते हो मेथड। मैंने अपने बाल कर्ल किए थे, उसके ना मतलब ये एक या फिर दो फोटोज मेरे पास बची हैं। मेरे पास थी, मैंने उसकी ना फुल वीडियो भी बनाई थी पूरे अपने पीछे बाल के, पर वो सारे डिलीट हुए। मतलब इतने सुंदर सुंदर, मतलब वो इतने कर्ल्स इतने सुंदर थे ना, उसमें फोटोज़ भी अच्छी आ रही थी बहुत। तो फिर जो भी है ना, मैं यहाँ पे लगा दूंगी। पर एक ही वो कर्ल्स मैंने किए, पर ना वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं थे, मैं बताऊँ तो। या फिर मेरे बाल ऐसे जिस पे ज़्यादा कर्ल ऐसे टिकते नहीं है शायद इसलिए, पर ना मतलब मैंने किए, वो झालते तक तो रहने चाहिए थे ना, वो एक या फिर दो घंटे तक, उसके बाद वो ना सीधे हो गए थे खुद ही। उसके उस पर अगर आप हेयर स्प्रे मारोगे तो शायद वो वैसे रह जाएंगे, और मेरे बाल भी ऐसे मतलब ना स्ट्रेट वेवी से हो जाते हैं जल्दी, या फिर स्ट्रेट ज़्यादा। इस पर ना कर्ल्स टिकते नहीं, इस पर क्रीम्स भी नहीं टिकते हैं वैसे तो, कर्ल्स कहाँ टिकेंगे। पर फिर भी वो बड़े ना क्यूट लग रहे थे, बड़े अच्छे थे। तो फिर अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप आराम से कर सकते हो, और ना इतना कुछ मुश्किल ही नहीं, मुश्किल भी नहीं है, बस रात को लगा के करना, सो जाना। वो इतना ना टफ भी नहीं था, जैसे होता है ना वो फ्रेंच ब्रेड का, तब जाने क्या कितना टफ भी नहीं था। अगर आप लोगों को ट्राई करना हो तो आप आराम से ट्राई कर सकते हो, इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है। तो गाइस, यही था आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आपको पता चल जाए। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, पीस।